हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपको मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे एमएसडब्ल्यू का हो या किसी भी जीके जीएस कोर्स का हो, आप मॉक टेस्ट 10 रुपए के हिसाब से परचेज कर सकते हो। हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो पहला अपडेट है वो ये है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस ओपन हो जाएगा, जिसको आपको समझना है। इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्लियरली आपको हर चीज दिखता जाएगा, आपके एग्जाम से रिगार्डिंग एग्जाम शेड्यूल और कब से कब तक होना है। देखिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब बोल बचन आप जानते हो। अब बेसिकली बात क्या करते हैं, 2023 की जो यूजी एग्जाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो एनटीए सीबीटी मोड में लेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, और 295 सिटी अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड ये लिया जा रहा है। आपको हम बता दें, 21 मई से 2 जून, ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक तो था कंफर्म, उसके बाद 5-6 जून को बढ़ाया गया और 7 और 8 जून को रिजर्व रखा गया या फिर बफर डेज रखा गया है। कारण क्या है कि मान लो कोई कहीं पे ऐसा रिगिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, एग्जाम हॉल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, तो आप सब न्यूज में सुनते भी होंगे। तो चूंकि 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, इस बार देख लो आप, 14,19,000, जबकि अभी बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं अपना अभी तक भर पाए, क्योंकि उनको लगता था पिछले साल की तरह एग्जाम होगा तो इस बार भी डेट होगा। तो इस वजह से कैंडिडेट जो है इतने हैं, कैंडिडेट्स हुए ऑप्टेड फॉर 64,035 एंड ये आप देख लो, जो उन्होंने टोटल टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है, 64,35,050 टेस्ट पेपर ऑप्ट किया है उन्होंने। दिस कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर इतना यूनिक कॉम्बिनेशन, 48,789 यूनिक कॉम्बिनेशन, 250 सेंट्रल स्टेट एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में है। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। अब उन्होंने टेस्ट पेपर जो सेलेक्ट किया है, मतलब 15 लाख बच्चों ने 64 लाख के करीब में टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया, मतलब एक बच्चा एवरेज कितना कर पा रहा है, 4 से 5, है ना, 14 25 70 हो जाता है, 14 चौके 56, 5 टेस्ट पेपर उसने एटलीस्ट लिया है। तो इस वजह से ये डेट बढ़ रहा है, और जो पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें कि उनका भी एग्जाम डेट डेफिनेटली बढ़ेगा, उनको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट हुज एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड 21 से लेकर के 24 तक, उनको 19 मई को एडमिट कार्ड उनका आ चुका है। तो जिन बच्चों को भी ये दिख रहा है, वो अपना सारा काम, एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, अपने आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें सीरियसली संभाल के रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाते वक्त उनको काम आएगा, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग आपको पता ही है, पहला शिफ्ट जो है वो कब होने वाला है, पहला शिफ्ट होने वाला है सुबह में ही। और कुछ जम्मू कश्मीर झारखंड एंड मणिपुर प्रेस नोट है, यहाँ पे टेम्पररी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, एडमिट कार्ड आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सब नोटिस इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ये न्यू अपडेट है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सारे अपडेट्स हम एक एक करके आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।